ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने कहा कि रामहित मौर्य खाना खाकर बरामदे में सोए हुए थे। सुबह 4 बजे घर वालों को कुछ लोगों की आहट सुनाई दी। परिजनों का आरोप है कि 3 महीने पहले जिन पड़ोसियों ने से सीवर लाइन के ऊपर पानी की टंकी रखने पर विवाद हुआ था, तरुण और उसके साथियों ने संभवतः गला दबाकर रामहित की हत्या कर दी। परिवार का यह भी आरोप है कि भूपेंद्र और तरुण के परिवार के लोगों ने रामहित की बेरहमी से मारपीट की थी। पुलिस ने फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तथ्यों पर कार्रवाई की बात की जाएगी। धाटीपुर क्षेत्र दर्पण कॉलोनी का मामला है ये। गायत्री विहार में कोई राम हेतु मौर्य 60-65 वर्षीय हैं, इनकी संदिग्ध हालत परिस्थितियों में रात्रि के समय मौत हुई। उनकी पत्नी ने 4 बजे देखा था तो बता रही हैं कि मुँह पे से फेस आ रहा था। बाकी अवलोकन किया है, सस्पेक्ट तो अभी संदिग्ध परिस्थितियाँ हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही फाइंडिंग क्लियर होगी कि क्या चीज़ है। 3 महीने पहले मेरे ससुर का इनसे झगड़ा हुआ था। झगड़े में उनने एक मेरा ससुर का पैर तोड़ दिया, नाक तोड़ दी और सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आईं। इसके सिद्धार्थ जो जिसने पिटाई करवाई वो लड़का था पुलिस में, उस पर 2 स्टार है कोई अच्छी ऊँची पोस्ट में। तो हमसे पहले पहुँचने से पहले थाने में वो पहुँच गया, उसने पुलिस वालों को क्या किया क्या नहीं किया, तो उनके दबाव में हमारी FIR में कोई ऐसी धारा नहीं लगाई कि जिससे हमारे ससुर को इंसाफ मिल सके। यहाँ तक कि उनका एक्सरा भी नहीं करवाया, पैर का फुल बॉडी का चेकअप भी नहीं करवाया।